नमस्कार बच्चों। बच्चों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों पिछले कुछ अध्यायों से हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में चुनाव कैसे होते हैं, लोकतंत्र में किस प्रकार जो व्यवस्था है किस प्रकार नियमों और कायदों के अनुसार चलती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो चुनाव हुए हैं, जो कायदे कानून बने हैं, उसके अतिरिक्त एक चीज़ और ज़रूरी है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है लोकतांत्रिक अधिकार। कि लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिले हैं वो कौन से हैं। और आज का जो हमारा विषय है, हमारा जो अध्याय है, वो भी लोकतांत्रिक अधिकार है। ये आपके कक्षा 9वीं का अध्याय 5 है और इसका हम अभी यहाँ पर पहला भाग करेंगे। और इस भाग में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अधिकारों के बिना जीवन कैसे होता है, और हम 2 या 3 उदाहरणों के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जो अधिकार हैं वो क्या होते हैं, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि लोकतंत्र में अधिकारों की ज़रूरत क्यों होती है। बच्चों इस भाग की या इस अध्याय की शुरुआत हम 3 उदाहरणों के माध्यम से करने जा रहे हैं, और ये जो 3 उदाहरण हैं अलग अलग शासन व्यवस्थाओं के अंदर आते हैं। एक व्यवस्था ऐसी है कि जहाँ पर एक देश के सैनिकों के द्वारा दूसरे देश के नागरिकों को पकड़ लिया गया है, और एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पर राजशाही है और वहाँ पर उसके अंदर रहने वाले लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। और इसके अतिरिक्त एक ऐसी व्यवस्था की हम बात करेंगे जो लोकतांत्रिक है, लेकिन वहाँ भी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हमें देखने को मिल रहा है। तो पहली क्या व्यवस्था है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक देश के द्वारा दूसरे देश के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन या हनन किया जा रहा है। अब ये क्या स्थिति है, आइए इसको समझें। एक जेल है जिसका नाम है गुआंतानामो बे। ये क्यूबा के पास एक टापू है जहां पर अमरीकी सेना का या अमरीका का कब्जा है। अब उसने क्या किया है, इस जेल में, गुआंतानामो जेल में क्या किया, संसार भर से 600 लोगों को पकड़ करके उस जेल में डाल दिया गया है। आइए पहले हम गुआंतानामो बे जो जेल है और ये जो घटना है इसके बारे में थोड़ा जानें। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमरीकी नौसेना का कब्जा है। अमरीकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं, और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अनस जो एक कैदी है वो भी उन 600 लोगों में से एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अमरीकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके।
इन कैदियों के बारे में जानने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जानकारी प्राप्त की। क्या जानकारी प्राप्त की? कि इन कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है और अमेरिका के जो कानून हैं उनके तहत उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है। और इन कैदियों ने क्या किया, भूख हड़ताल कर दी, क्योंकि जो अमानवीय यातनाएं उनको दी गई थी उसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। अब वहां पे क्या किया गया, जबरदस्ती उनको नाक के जरिए भोजन उनके शरीर में पहुंचाया गया ताकि वो जीवित रहें, लेकिन जो यातनाएं थी, जो शोषण था, वो जारी रहा। और वहां पर जो स्थिति थी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने भी इस बात की पुष्टि की, एक स्वतंत्र जांच कराई और ये कहा कि इस जेल को बंद कर देना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने उसकी भी बात नहीं मानी और ये स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो बच्चों, ये तो एक ऐसी स्थिति थी जिसमें एक देश के द्वारा दूसरे देश के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनका हनन किया जा रहा है। लेकिन अब हम एक ऐसी स्थिति देखेंगे जहां पर एक देश के द्वारा अपने देश के नागरिकों के अधिकारों का ही उल्लंघन किया जा रहा है और यह स्थिति एक राजशाही शासन व्यवस्था से ली गई है। और ये जो व्यवस्था है ये सऊदी अरब के अंदर पनप रही है या वहां पर चल रही है। अब वहां पर किस प्रकार हम देखेंगे कि वहां जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन सऊदी अरब की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आइए इन तथ्यों पर विचार करें। सऊदी अरब में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं, जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। बच्चों, ये जो स्थितियां हैं ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर इस प्रकार की स्थितियां या परिस्थितियां लागू हैं। अब हमने क्या देखा कि एक राजशाही या राजतंत्र के अंदर क्या हो रहा है, सरकार के द्वारा अपने लोगों के कुछ अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या किसी लोकतांत्रिक देश में भी ऐसा हो सकता है कि जहां पर लोगों ने लोगों को चुन के भेजा, सरकार बनाई और सरकार के द्वारा ही अपने लोगों के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है या उनको किसी कई प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं? हाँ, ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर एक चुनी हुई या लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा भी अपने देश के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं कोसोवो प्रांत की। कोसोवो यूरोप के अंदर एक देश है, यूगोस्लाविया, उससे अलग हुआ एक प्रांत है और बाद में एक देश भी बना। हम वहाँ की स्थिति के बारे में जानेंगे। अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है कि
दो प्रमुख जातीय समुदाय हैं, एक है सरब और दूसरा है अल्बानियाई। ये जो सरब है ये वहाँ पर क्या है, बहुसंख्यक हैं, और जो अल्बानियाई हैं वो अल्पसंख्यक हैं। अब इस पृष्ठभूमि में क्या हुआ, वहाँ कोसोवो के अंदर चुनाव हुए और चुनावों में जो सरब नेता थे मिलोशेविक, उनकी जो सरकार थी वो सत्ता में आई। अब ये जो मिलोशेविक थे पूरी तरह से सरब राष्ट्र के एक प्रकार से कह सकते हैं पूरी तरह से हिमायती थे और अल्बानियाओं के प्रति नफरत रखते थे, और उन्होंने जैसे ही सरकार बनी ये घोषणा कर दी कि यहाँ पर जितने भी अल्बानियाई समुदाय के लोग हैं वो देश छोड़कर चले जाएं, और जो वहाँ पर जो लोग रह गए उनके साथ बहुत ही नृशंस प्रकार से, एक प्रकार से बहुत शोषण किया गया अल्बानियाई समुदाय के लोगों का, और उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ देखने को मिली। अप्रैल 1999 में वहाँ पर जो ज्यादतियाँ हुई उसी का एक वर्णन वहाँ की एक वृद्ध महिला जिसकी उम्र 74 साल है और जिसका नाम है बतिशा होक्सा, वो ये जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उनका वर्णन करती है। क्या कहती है कि मैं अपने पति के साथ घर में बैठी हुई थी, अपने पति के साथ घर में बैठी हुई अचानक मुझे बाहर से धमाकों की आवाज़ आई। इससे पहले ही कि मैं कुछ समझ पाती कि चार पांच जो वर्दीधारी लोग थे हाथ में बंदूकें लिए हुए हमारे घर के अंदर प्रवेश कर गए और पूछने लगे बच्चे कहाँ हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं जवाब देती उन्होंने लगातार दो तीन गोलियां मेरे पति जो इजेज जिसका नाम था मेरे पति की छाती में दाग दी और मेरे को वहां से चले जाने को कहा। उन्होंने जैसे ही मुझे जाने को कहा और ये भी कह दिया कि जो मेरी शादी की अंगूठी थी उसको उतार दो, वो मैंने उतार करके उनको दी और मेरे सामने ही मेरे पति की मौत हो गई। और जैसे ही मैं घर से बाहर निकली क्या हुआ, उन्होंने हमारे घर को आग लगा दी और हमारा घर पूरी तरह से धू धू करके जल उठा। अब ना मेरे पास घर था, ना मेरे पास शादी का कोई पहचान वाला चिन्ह, और ना ही मेरा पति मेरे पास था। मैं असहाय एक तरफ खड़ी होकर के अपने भाग्य को कोस रही थी। और इस प्रकार की यह जो कहानी थी, यह जो कथा थी, यह जो ज्यादती देखने को हमें मिली, ये सिर्फ उसी घर के अंदर नहीं थी, अल्बानियाई लोगों के साथ अलग अलग जगह पर इस तरह का बुरा व्यवहार देखने को मिला। और ये जो ज्यादतियां हमें देखने को मिली किसके द्वारा हुई, एक चुनी हुई सरकार के नेता के द्वारा। एक नेता ने जो उसी देश का था अपने देश के लोगों के साथ इस प्रकार व्यवहार किया, वो तो बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने दखल दिया, तब कहीं जाकर के ये सिलसिला समाप्त हुआ। और बाद में मिलोशेविक की जो सत्ता थी, जो सरकार थी, वो भी गई और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ इस प्रकार का अभियान चलाने के लिए मुकदमा चला। बच्चों ये जो सारे के सारे उदाहरण थे, जो तीन उदाहरण हमने बात की है, वो सारे के सारे दूसरे देशों में हमें देखने को मिले, लेकिन भारत में भी हमें ऐसे कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 1984 में सिखों के खिलाफ बहुत दंगे हुए, उसी प्रकार 2002 में गुजरात में भी लोगों को इस प्रकार अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। बच्चों दूसरे देशों के अंदर और अपने देश के अंदर ये जो लोग हैं जो इन घटनाओं का शिकार हुए उनके बारे में जरा सोचिए, अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते। ये भी सोचिए कि अगर मान लीजिए आपके हाथ में ये जो फैसला लेने का अधिकार होता कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो तो आप क्या करते, शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हों।
जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार न किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित रखने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से उन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उसमें हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी हैं। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागज़ों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो, और जो लोग ऐसा ना करें उनको सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमज़ोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, पर वास्तव में अधिकार हैं क्या? आइए इसको समझें। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों से, अपने समाज से और अपनी सरकार से दावा है, और इसलिए हम ये अपेक्षा करते हैं कि किसी के द्वारा हमें कोई नुकसान या कष्ट ना पहुंचे, और साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे द्वारा किसी को कोई नुकसान या कष्ट ना हो। बच्चों, आपने गांधी जी का विचार सुना होगा। वह विचार था, दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। अगर इस विचार को अगर हम देखें तो हमारे बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू होता है। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दें या नुकसान पहुंचाएं। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ ना हो। युगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। हम कुछ दावे कर दें, सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। समाज जिस चीज़ को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता था कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता था। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार न होना ही अजीब लगता है। इसी प्रकार जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। ग्वांतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। इस प्रकार अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। आइए अब हम ये देखें कि लोकतंत्र में अधिकारों की ज़रूरत क्यों है। हम लोकतंत्र में क्या देखते हैं कि कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, उन्हें अपने संगठन बनाने, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार भी होता है, उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, वे अपनी बात को कह सकते हैं। लोकतंत्र में अधिकारों की भी एक खास भूमिका है।
अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करें। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी है। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहें तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है, या संभव है वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा ना करें, जैसा कि हमने कोसोवो में देखा। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की ज़रूरत है, ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। और जैसा हमने कहा कि कुछ संविधानों के द्वारा नागरिकों के अधिकार दर्ज किए जाते हैं, और भारत इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जहां पर हमारे संविधान के द्वारा अपने देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके बारे में हम इस अध्याय के भाग दो में, वीडियो नंबर दो में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको अध्याय का ये हिस्सा समझ आया होगा। आपको क्या समझ में आया, आपने क्या पढ़ा, आइए इसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करें। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर एक, गुआंतानामो बे टापू पर किस देश का कब्जा है? विकल्प हैं अमेरिका, सऊदी अरब, कोसोवो, इंग्लैंड। तो आपने पढ़ा ही है, गुआंतानामो बे पर अमेरिका का कब्जा है। प्रश्न नंबर दो, सऊदी अरब में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? विकल्प हैं लोकतांत्रिक, राजशाही, सैनिक, अधिनायकवाद। हमने पढ़ा ही है कि वहाँ पर राजशाही है। प्रश्न नंबर तीन, कोसोवो में कौन सा जातीय समुदाय अल्पसंख्यक है? विकल्प हैं सरब, स्लाव, अल्बानियाई, उज्बेक। तो हमने पढ़ा था कि कोसोवो में अल्बानियाई समुदाय अल्पसंख्यक है। प्रश्न नंबर चार, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्न में से क्या है? विकल्प हैं एक न्यायिक संगठन, एक शांति संगठन, एक पुलिस संगठन, एक मानवाधिकार संगठन। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है। प्रश्न नंबर पाँच, निम्न में से क्या सही है? अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों से दावा है, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने समाज से दावा है, अधिकार किसी व्यक्ति का अपनी सरकार से दावा है, सभी सही हैं। तो विकल्प चौथा बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर वाले तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन चार है, सभी सही हैं। अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। कोसोवो की जातीय संरचना कैसी है? उत्तर, कोसोवो में सरब लोग बहुसंख्यक हैं और अल्बानियाई अल्पसंख्यक हैं। प्रश्न नंबर दो, सऊदी अरब में अधिकारों को लेकर महिलाओं की क्या स्थिति है? उत्तर, औरतों को वैधानिक रूप से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं, उन्हें वहां मत का अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर तीन, अधिकार क्या हैं? उत्तर, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। अधिकार तभी संभव है जब हमारे बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। अब हम एक निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है? उत्तर, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना ज़रूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना ज़रूरी है। लोकतंत्र में हमारे अधिकारों की एक खास भूमिका है।
अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करें। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं, जैसा कि भारत में। तो बच्चों, इसी के साथ इस अध्याय का पहला भाग समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको अध्याय और प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।